कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन कर आवेदन दिया है प्रदेश सरकार के खिलाफ कि फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, खराब सड़कें हैं इस और बिजली का बिल अधिक आ रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये कांतिलाल भूरिया और उसकी कांग्रेस एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर कहीं कहीं जिलों में अतिवृष्टि हुई और फसलें खराब हुई, वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वयं वहाँ जाकर निरीक्षण किया, जहाँ नहीं जा सकते थे ऐसी जगह उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, और जहाँ गाड़ी से जाना होता गाड़ी जा सके ऐसी जगह पर गाड़ी पे जाके सर्वेक्षण करके और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया। और हमारे ज़िले में भी इसी संबंध में करीब 100 से अधिक टीमें काम कर रही है और वो किसानों के खेत खेत जाकर सर्वे का कार्य जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जहाँ जहाँ मतलब सर्वे हो गया वहाँ पर हजारों करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में डालने की पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन कांतिलाल भूरिया और उसकी कांग्रेस यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले 40 सालों से लोगों को मूर्ख बनाती आ रही है, उसी प्रकार से आज मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर आ गई थी। मैं कहना चाहता हूँ कांतिलाल जी भूरिया, आपने किस किसान के खेत में जाके सर्वेक्षण किया? आपको मालूम है कौन सी फसल खराब हुई? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको शायद किसान कितनी फसल उगाता और कौन कौन सी फसल पहचानने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप किसी के खेत में जाकर किसी की परेशानी को समझा नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला कि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, मैं कांतिलाल जी भूरिया आपको ही पूछता हूँ कि जब आपकी सरकार ने बोला था कि हमने बिजली के बिल हाफ कर दिए, माफ़ कर दिए, लेकिन आज आप खुद बोल रहे हैं कि 20,000 आ रहे, तो भाई आपने बिल माफ़ कर दिए तो ये बिल कहाँ से आ रहा है? ये यहीं पर आपका झूठा सामने आ रहा है। दूसरा, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कें भी आप ही के शासनकाल में आप ही की सरकार ने जिस प्रकार से ऐसी घटिया किस्म की बनाई थी वो आज 8-10 महीने के अंदर ही उखड़ कर वहाँ पर गड्ढे हो गए हैं। ये सरासर आप जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे हैं। आपको यहाँ की जनता को इस प्रकार से गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पात्रता पर्ची के संबंध में बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं बता दूं कि आपकी सरकार के समय पात्रता पर्चियों का काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। अभी हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पात्रता पर्चियाँ बनाने का काम जारी कर दिया और वो पूर्णता की ओर है और सभी लोगों को वो राशन मिलना जारी हो जाएगा। दूसरा, आपने बोला कि ये जो फ्री का गेहूँ अनाज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मैं बोलता हूँ कि हमारी सरकार ने, माननीय शिवराज मामा जी ने तो इन योजना की शुरुआत करी थी, आपकी सरकार ने ही बीच में डिस्टर्ब किया था, आपकी सरकार ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने फिर से चालू कर दिया है और हर व्यक्ति, हर पात्र व्यक्ति को वो योजना का लाभ देंगे। लेकिन आप इस प्रकार से इन आदिवासियों को गुमराह करना बंद करें, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार रहें।